अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है वो आपका दराज सर्वर सेंटर अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, कि प्रोडक्ट हंटिंग में जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा लास्ट वीडियो को एक चीज़ दिखा दूँ कि उसमें मैंने आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करवाया था। तो ये दूसरी वीडियो के लेक्चर में मैंने यहाँ कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आप, मैंने आपको बताया था कि आपने मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो आप चाहें तो नया पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनी अदर बैंक कार्ड, यानी कि एक आपका होता है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ठीक है। इसके अलावा भी आप फ्रीलांसिंग के भी कार्ड आ रहे हैं तो वो कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अदर बैंक कार्ड से मुराद यही है, ठीक है। और इसके अलावा आप इजी पैसा जैस कैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग एक चीज़ कही थी कि इजी पैसा जैस कैश में जो है लिमिट की इशू आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, बाकी बैंक का जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो नया पे और सादा पे। अब नया पे और सादा पे में जो चेक कॉपी की जगह आप जो है उनकी स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, फिर भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये दराज का लिंक दिया है, ठीक है। अब ये देखें, ज्वाइन दराज ऑफिशियल ग्रुप कमेंट, ठीक है। तो ये आप आए नीचे, यहाँ मैंने रेट मोड पर किया, यहाँ पर देख सकते हैं दराज का मैंने ऑफिशियल ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है। यहाँ पर दराज का ऑफिशियल बंदे ऐड है सारे, ठीक है। तो वो यहाँ सारे ऐड हैं, तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट बात करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कि हंटिंग, ठीक है। अब हमारा जो है वो प्रोडक्शन टू दराज ख़त्म हो चुका है, अब हम हंटिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हंटिंग सबसे पहले यह है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब एक दो तीन चार पाँच छः कैटेगरीज है, इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं काम करने से, ठीक है। वो कौन सी है? नंबर वन फ्रेजाइल आइटम्स, ठीक है, नाम से आपको पता है क्या है। नंबर टू लिक्विड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नंबर थ्री है फ्रेजेबल गुड्स, ये पर बात करेंगे क्या है। इसके बाद हैजर्डियस मटेरियल्स, ठीक है, इस पर बात करेंगे। लार्ज और बल्कि आइटम्स, और लास्ट हाईली रेगुलेटेड आइटम्स, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। फ्रेजाइल आइटम, ठीक है, आपको पता है ग्लास फेयर, सेरेमिक्स और डेलीकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये आइटम हम अवॉइड करते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि दराज पे कई आइटम सेल नहीं हो रहे, अगर हम चेक करना चाहें तो। अगर हम यहाँ आगे लिखेंगे ब्लेंडर मशीन, ठीक है, अब ये देखिए क्या ये इलेक्ट्रिक आइटम नहीं है ब्लेंडर, ये तो है, तो फिर ये लोग कैसे सेल कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप 472 सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रिक है, क्या सेल नहीं कर रहे हैं, तो सीधे तो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखें यहाँ पर आप दो चीज़ें, जब आप दराज पे अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, जब आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी कि कौन से नीच में काम करना है, तो उसमें भी सबसे पहले आप लोग ये सोच लें कि आप खुद क्या हैं, आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, रीसेलर हैं, होलसेलर हैं, क्या हैं। जो भी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने दराज का अकाउंट भी बनाना है और उस नीच में काम भी करना है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हैं, ठीक है, वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं होगी अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड हैं। आप बहुत बड़ा ब्रांड है तो फिर आप प्रॉपर काम करेंगे, आप प्रॉपर डी मॉल पर जाएंगे और डी मॉल पर जाकर सारी चीज़ सेल करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये कि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं ये मैन्युफैक्चर तो होते हैं लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो और समझते हैं ठीक है हमारा आइटम ऐसे सेल हो रहा है तो हम यहाँ यहाँ जाएंगे सेल कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप दराज के ऑफिशियल से अगर आपकी बातचीत हो तो आप उनसे जाकर बात करें, अगर हम डायरेक्ट लोकल सेलर पर बना के अगर चीज़ें सेल करते हैं तो सही है या फिर नहीं। क्योंकि देखें आप डी मॉल पर अकाउंट बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करेंगे और रिटर्न आएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। एक महीने के अंदर अगर आपका 5-6 रिटर्न आ गया और आपका इतना ऑर्डर नहीं आए तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप सोचो इतनी मेहनत की आप डी मॉल का अकाउंट बनाया, तो फिर इसमें क्या है, इसमें आप लोकल अकाउंट बनाएं, इस पर काम करना, फिर आपको आइडिया आ जाएगा, जब आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा फिर आप डी मॉल बन जाएँ, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, या तो बंदा खुद इस पर काम कर ले या किसी से करवाए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, अगर आप खुद काम करना चाह रहे हैं तो पहले नॉलेज लेने, अगर आपको लगता है यार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, मुझे इशू है, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप डी मॉल पर अकाउंट ना बनवाएं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास एंटीन बना हुआ है, आपका कंपनी रजिस्टर है। लेकिन अगर आप खुद काम करना चाह रहे हैं तो बेहतर है पहले आप लोकल अकाउंट बनाएं, लोकल अकाउंट बनाएं, आप वो आइटम बेचें, फिर आप देखें क्या क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट अच्छा आ रहा है, फिर डी मॉल पर जाएं, ठीक है। तो ये एक क्लियर मुझे पॉइंट करना था, मैंने आपको कर दिया है, चॉइस आपके अपने ऊपर, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है। दूसरा ये कि आप फ्रेजाइल आइटम्स पर हम जाएँ नहीं जाएँ क्या है, ठीक है, इस पर मैं आता हूँ। देखिए इस पर आने से पहले दो तरीके के लोग हैं, मैं तो पता है, एक तो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, एक होलसेलर हैं, ये एक कैटेगरी में आ गया। दूसरा आ गया रीसेलर, ठीक है, जिनमें मैं भी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप तो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, तो आप किसी भी नीच में काम कर रहे हैं तो फिर आप चीज़ों को मत नोट कीजिएगा, आप उसमें काम करें।
अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब ये हो गया फ्रेजाइल आइटम, ग्लासफेयर, सेरेमिक और डेलीकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी रिटर्न आते हैं, इसमें समझ में करते हैं। ठीक है, ग्लासफेयर में जो है वो आइटम टूट सकता है, और सेरेमिक के आइटम भी कांच के होते हैं, टूट सकते हैं, इस वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, उससे बात है ये चीज़ कहाँ से कितनी की मिलती है, और इसमें क्या क्या एहतियात करनी है, और मुझे कौन सा आइटम ऑनलाइन सेल करना है, कौन सा फिजिकल सेल करना है, तो वो उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो जो इस यानी इसका खानदानी बैकग्राउंड है, जो कि इस नीच में काम कर रहा है, तो फिर उसको मैं एडवाइस दूंगा आप इसी नीच में काम करें। और शुरू में आप अगर मैं अकाउंट का मैंने क्लियर कर दिया है कि वो आपके ऊपर है कि आप डी मॉल पर जाना चाहते हैं या लोकल सेल पर जाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस ऊपर है। ओके, फिजिकल सेल अलग करना होता है और ऑनलाइन चीज़ होती है अलग। इसकी मिसाल मैं यूँ दे दूँ आपको, अगर आप शूज़ सेल करते हैं और शूज़ में कोई आपके पास बोलता है कि साइज़ का इशू नहीं है, आप हमारे पास आ जाएँ, साइज चेंज कर देंगे। ठीक है, कस्टमर ने आप फिजिकल शॉप पे कस्टमर अगले दिन आया, साहब ने साइज़ का इशू चेंज कर दिया, लेकिन अगर यही चीज़ दराज पर अगर साइज़ के लिए रिटर्न करता है तो दराज बोलता है ये आपने रिटर्न किया है। ठीक है, ये नेगेटिव में आता है, तो यही वजह है कि अवॉइड करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर वगैरह हैं, होलसेलर वगैरह हैं, तो इस चीज़ की नॉलेज ले लें, और जो आपको सही लगे वो आप अकाउंट पर करके काम कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेजाइल आइटम वाले। ठीक है, दूसरा है लिक्विड प्रोडक्ट्स, यानी कि लिक्विड डिटर्जेंट। सही है, अच्छा लिक्विड डिटर्जेंट में जो है फिर वही बात आ गई, अगर आप कंपनी हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर हैं, आप बना रहे हैं, फिर आपका सब कुछ लिस्टेड होगा, फिर आपकी चॉइस आपके ऊपर, आप डी मॉल पर जाएँ या उसमें जाएँ। रिटर्न पॉलिसी आपका ख्याल होना चाहिए, आपकी लिक्विड की पैकेजिंग क्या, वो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा तो आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे मालूम चला कि इन कैटेगरीज में काम नहीं करना, लेकिन जो ऑलरेडी इस नीच में है उनको पता है क्या प्रिकॉशंस है, तो वो काम करें। ठीक है, मैं क्या क्लियर करते हैं, पहली चाहिए फिजिकल गुड्स, यानी फ्रेश गुड्स, फ्लावर और सर्टेन कॉस्मेटिक की शॉर्ट शेल्फ है। ठीक है, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो वो हम चीज़ें भी अवॉइड करते हैं। आपको पता है कि फ्रेश फूड अब लोग ये भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसके भाई अलग क्राइटेरिया होता है, लोग फ्लावर सेल कर रहे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने सोच समझ के रखना है कि दराज समटाइम पार्सल लेट कर देता है, तो क्या 6 दिन तक वो चीज़ सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, और शॉर्ट्स है फ्लैक्स कॉस्मेटिक भी वही, कॉस्मेटिक में इतनी कॉपी हैं कि जो बंदा इस फील्ड में 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है तो उसी को अच्छे से आइडिया होगा ये ऑरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सी है। तो कॉस्मेटिक की नीच में भी वही काम कर रहा है, जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, हैज़ेरियस मटेरियल में केमिकल्स, बैटरीज और फिलेबल आइटम, तो ये तो वैसे ही दराज आपको अलाउ नहीं करता है कि आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, और लार्ज और बल्कि आइटम, अच्छा लार्ज और बल्कि आइटम में इसका क्राइटेरिया अलग होता है, फर्नीचर वगैरह भी लोग सेल करते हैं क्या नहीं कर रहे, हम प्रोच कर लेते हैं भाई, फर्नीचर बेडरूम सेट मैंने सर्च किया, देखिए 85,000 के आ रहे हैं, इस पर 5 रिव्यू भी हैं, 13,000 रुपये आ रहे हैं, तो ये इतने बड़े बड़े आइटम है, 78,000 का ये भी आ रहा है, तो 31 रिव्यू में इसके ऊपर, तो ये लोग किससे ये सेल कर रहे हैं बल्कि आइटम, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ आप इसको अवॉइड करें। तो देखें ये जो बल्कि आइटम है ये अगर मैं रीसेल करना चाहूँगा तो मैं अवॉइड करूँगा, लेकिन फिर भी बात अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप खुद होलसेलर हैं इस चीज़ के, तो आप सेल कर सकते हैं, आप ज़रूर सेल करें, क्योंकि आपकी ये नीच है, आप इस पर इस नीच में जाकर काम करें। लेकिन बात यह है कि पहले नॉलेज ले लें, फिर इसके लिए मेरे का सही होता है कि दराज के लिए आप अपना अकाउंट बनता है, उस पर आपको एक अलग जो है वो टीम मिलती है, वो आपके घर पे आती है, आपकी गाड़ी आती है घर पे, जैसे कि अभी आपको जो है वो पार्सल ड्रॉप करने के लिए जाना होता है, छोटे पार्सल जो होते हैं उसमें ये होता है कि दरअसल गाड़ी आपके घर पे आती है वो सामान पिकअप करने के लिए, तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। तो मैंने आपको ग्रुप पे लिंक दिया है, तो वो आप जाकर ज्वाइन करें, जो फर्नीचर सेल करना चाहते हैं तो वो इस जगह ज़रूर मालूम करें। ठीक है, हाईली रेगुलेटेड आइटम में आता है फार्म मेडिसिन वगैरह हो गए, ठीक है, स्पेशल परमिट और लाइसेंस टू सेल। ठीक है, अब इसके लिए स्पेशल लाइसेंस वगैरह चाहिए होती है, जैसे मैंने बताया कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि दराज पे इसमें आप सेल नहीं कर सकते, अच्छा वो होती है गेटेड और अनगेटेड। ठीक है, ये भी एक अलग टॉपिक से बात कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ मेडिसिन, देखें ये भी मेडिसिन में आ रही है, तो ये कैसे सेल कर रहे हैं, ज़्यादा मैंने अवॉइड किया इसमें भी वही बात आ गई। ठीक है, अगर आप मेडिसिन इनके बीच में सेल करना चाह रहे हैं तो इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब क्या होता है कौन से होते हैं ये आप लोगों ने सर्च करना होगा। ठीक है, मैंने आपको लिंक दे दिया है, दराज से ऑफिशियल साइट है, आए दिन अपडेट्स हो रही होती हैं, लोगों की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा आइटम सेल करना चाहते हो तो आपको लेटर चाहिए होगा, जैसे कि एक कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटीज पर आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, वो गेटेड कैटेगरीज में आती है, वो लॉ क्या तरह, उसके लिए आपको लेटर चाहिए होता है, तब भी आप जाकर सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें गेटेड कैटेगरीज में आती है, वो आप सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफिशियल लेटर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बड़ा मेन पॉइंट था हंटिंग से पहले, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूँ, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं और कौन लोग इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आते हैं दूसरे कैटेगरीज पे, जिन्हें मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो रीसेल करते हैं, जैसे कि हम हुए, अब हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं,
तो हम लोग जो रीसेलर है जिनको इस नीच में किसी डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर मेरा एक साल का गारमेंट्स का मैंने अगर मेरा शॉप का एक्सपीरियंस है, ठीक है मेरा है, लेकिन मैं अगर खुद होलसेलर नहीं हूँ, इस आइटम में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। अगर आप समझते हैं मेरे एक साल में इतना एक्सपीरियंस है कि किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस एक तरफ, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप जाकर सेल करें। लेकिन मैं बता उन लोगों को जिन लोगों को कॉपी कबल टू पैड नहीं, गारमेंट्स कॉस्मेटिक में इशू आते हैं, ठीक है, तो फिर वो जाते जो भी वो हंटिंग करे वो हंटिंग करते हैं, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें वो फ्रेजाइल आइटम ना होना चाहिए, ठीक है, वो लिक्विड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो फिजिबल एज वेल वो लार्ज बल्कि आइटम और हाईली रेगुलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आइटम्स ना होने चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्या आइटम होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, वो हंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आइटम होना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि कौन सा आइटम पे किन लोगों को काम करना है, कौन सा आइटम पे किन लोगों को काम नहीं करना, ठीक है। जो हंटिंग का क्राइटेरिया में सबसे मेन चीज़ ये होती है, मैंने आपको शेयर कर दी, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हंटिंग, दे देता हूँ। हंटिंग में काफ़ी मेथड हैं, 3-4 मेथड मैंने आपके आगे लिखे हैं, आगे ये मेथड हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर आप जो है इसके जरिए हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।